मांझी जी की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, उनसे बेहतर हमें लगता है कि हम लोगों के बाद, राजद के बाद अगर है तो जनप्रसाद जी किशोर भी मैदान में हैं। तो बता तो रहे भाई कि प्रशांत किशोर जी सेकंड पे हैं। कुछ नहीं काम हुआ 9 सालों में, कुछ कर सकते हैं। अरे जितना मां जी कह रहे हैं कि काम ही काम हुआ है, कुछ था काम हुआ है अगर तो एक भी नेम प्लेट वो अपना दिखा दें कि कहाँ काम हुआ है। मुसलमान भी हमारे साथ है, यादव भी है, मांझी भी हमारे, बिल्कुल नहीं है मुसलमान। अच्छा कहाँ मुसलमान उनके साथ है? एक एक मुसलमान महागठबंधन समर्थित जो राजद के प्रत्याशी हैं रोशन मांझी, उनके पक्ष में है। काम करते थे, अभी जरूरत का था उनको वोट मांगने का, जो पढ़ता है पास होता है ना कि नहीं पास होता है? जरूरत नहीं था, जरूरी नहीं था। 9 साल कहाँ धरती पर काम हुआ है? यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ 9 साल। जीताराम मांझी क्षेत्र के मंत्री हैं। तेजस्वी यादव पे पूर्ण भरोसा है और साथ में हमारे लोकल कैंडिडेट रोशन मांझी जी हैं जो राजद समर्पित उम्मीदवार हैं, उन पे पूरा भरोसा है। उनको हम लोग ये मौका दे रहे हैं, इसके बाद अभी वो काम करे ना करे लेकिन उनका व्यवहारिक रूप जो है वो बहुत बेहतर है। इस वक्त हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा के बांके बाजार में है, जहां तमाम जनता से जानने आए हैं, यहां की राय जानने आए हैं कि आखिर इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा। एक तरफ जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, यहां से कभी विधायक हुआ करते थे लेकिन आज केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बहू मैदान में। वहीं आरजेडी और तेजस्वी की सिपाही हैं रोशन मांझी भी मैदान में, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी ताल ठोक करके कह रहे हैं कि इस बार इमामगंज में हमारी जीत होगी। देखना दिलचस्प रहता है कि क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ तमाम जनता है, तमाम जनता से हम राय जानेंगे कि आखिर इस बार किसका पल्ला भारी होने वाला है। क्या नाम हुआ चश्मा वाले भैया आपका? मोहम्मद फैज अहमद खान नाम हुआ मेरा। अच्छा फैज अहमद जी, कितना काम हुआ इमामगंज में? कुछ नहीं काम हुआ 9 सालों में, कुछ कर सकते हैं। अरे जितना मांझी कह रहे हैं कि काम ही काम हुआ है, कुछ था काम हुआ है अगर तो एक भी नेम प्लेट वो अपना दिखा दें कि कहाँ काम हुआ है। काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ है। जंगल राज की स्थिति थी, हम आए हैं तो बहुत कुछ बदल गया। आप जाकर कुछ नहीं, जंगल राज क्या था, क्या राज जंगल राज को उन्होंने निकलता था, शाम में दुकान बंद हो जाती थी, देखिए सारे लूट लिए जाते थे। तो ये मांझी जी ने किया ये सब? अरे सरकार तो हमारी थी। ये देखिए ये क्रेडिट अगर ले रहे हैं मांझी जी तो बिल्कुल गलत ले रहे हैं। ये कांग्रेस के रीजन में जंगल राज की जो आप बात कर रहे थे, कांग्रेस के रीजन में गृह मंत्री उस वक्त जो है पी चिदम्बरम से, जंगल राज इसमें नक्सलवादियों का था यहाँ पे वर्चस्व, उसकी समाप्ति के लिए उन्होंने ग्रीन हंट ऑपरेशन लागू किया था। लागू करने वाला कौन था? पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के गृह मंत्री थे, उनका देना मांझी जी का कहाँ देना है? मांझी जी क्रेडिट लेते चल रहे हैं। अरे मुसलमान भी हमारे साथ है, यादव भी है, मांझी भी हमारे, बिल्कुल नहीं है मुसलमान। अच्छा कहाँ मुसलमान उनके साथ है? एक एक मुसलमान महागठबंधन समर्थित जो राजद के प्रत्याशी हैं रोशन मांझी, उनके पक्ष में है। एक एक मुसलमान लालू यादव बहुत क्या है, उन्होंने क्या किया बताइए मुसलमानों के लिए? क्या नहीं किया, 4 सीट में से 1 सीट भी नहीं दिए मुसलमान को। कहाँ सीट देते थे? सिर्फ वोट लेने का। इमामगंज विधानसभा में ये तो आरक्षित है, यहाँ से मुसलमानों को कैसे दिया जा सकता है बताइए? 4 सीट में से 1 सीट तो मिलना चाहिए जो आरक्षित नहीं है। देखिये मैं अपनी सीट की बात करता हूँ, यहाँ ये आरक्षित सीट है और यहाँ से रोशन मांझी को जो है उन्होंने प्रत्याशी बनाया है राजद का, और यहाँ पूरी तरीके से इस बार जनता ने ये मान लिया है कि यहाँ रोशन मांझी को एक एक वोट लालटेन छाप पर दे करके जिताना है। 13 तारीख को एक एक वोट जो है वो रोशन मांझी के पक्ष में जा रहा है। अच्छा क्या कितना काम हुआ? यहाँ बिल्कुल सही बोले, यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ 9 साल। जीताराम मांझी क्षेत्र के मंत्री हैं। आप कौन जात से आते हैं? हम यादव समाज से। यादव समाज से हम एक साथ हैं। हाँ यादव समाज साथ है। नहीं छोड़िएगा साथ। मेरे साथ ए टू जेड के पार्टी है, सभी लोग हैं इसमें। एम भाई नहीं, खाली एम भाई की मत बात कीजिए, ए टू जेड के पार्टी है, अल्पसंख्यक सब मेरे साथ हैं। देखिए जितना भी नजर आएंगे सब जाति से। आप कौन जाति से? मेरा नाम MD सहूद खान। अच्छा सहूद खान जी, साथ नहीं छोड़िएगा यादव का? किसका? यादव का। इस यादव का साथ छोड़ का कैसे उम्मीद है कि कैसे छोड़ दें? साथ तो छोड़ देते हैं। अब मांझी जी का जो आप बयान कर रहे हैं कि बड़ी काम की है, तो काम करते हैं तो कह रहे हैं। अरे भाई जैसे आप बोले ना कि मांझी जी क्या किया, यू की ये फलाड़ ढकाना, तो काम करते थे, अभी जरूरत का था उनको वोट मांगने का, जो पढ़ता है पास होता है ना कि नहीं पास होता है? जरूरत नहीं था, जरूरी नहीं था। 9 साल कहाँ धरती पर काम हुआ है? क्या लग रहा है 8 महीना में आपके कैंडिडेट जीतेंगे तो? अरे भैया ये कुछ ना करेगा 8 महीना में, क्या करेगा ये बेचारा?
उसे का दिक्कत है, एवरिक कामयाब करेंगे, उसके बाद फिर एवरिक में लगाएंगे चांस, फिर एवरिक में कामयाब करेंगे, जरूर विकास होगा, विकास होगा। आज क्षेत्र का आदमी है, अच्छा, युवा है, समझ गए, वो हम लोग को सम्मान देगा। क्षेत्र के कैंडिडेट पे भरोसा है या तेजस्वी युवा पे भरोसा? किसका? हम लोग का भरोसा सब पर है, और क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव पे पूर्ण भरोसा है, और साथ में हमारे लोकल कैंडिडेट रोशन मांझी जी हैं जो राजद समर्पित उम्मीदवार हैं, उन पे पूरा भरोसा है, उनको हम लोग ये मौका दे रहे हैं। इसके बाद अभी वो काम करे ना करे, लेकिन उनका व्यवहारिक रूप जो है वो बहुत बेहतर है, हम लोग सभी इस दौर से गुजरे हुए हैं, उनको बेहतरीन से चिन्हित करते हैं। रही मांझी जी की बात, तो भाई 9 साल में क्या किए नहीं किए ये इमामगंज की पूरी जनता जानती है। मांझी जी कि यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, उनसे बेहतर हमें लगता है कि हम लोगों के बाद, राजद के बाद अगर है तो जनप्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, तो बता तो रहे भाई कि प्रशांत किशोर जी सेकंड पे हैं, सेकंड पे हैं यहाँ, भले ही वो फर्स्ट पे नहीं आ पा रहे क्योंकि वो अभी नई पार्टी है उनकी, लेकिन सेकंड पे हैं। मांझी जी की बात, वो थर्ड नंबर पे भी शायद अपना जगह बनाए मांझी जी, और जीतन राम मांझी जी भी हैं मंत्री, और उनके बेटा भी मांझी जी मंत्री हैं, फिर भी पूरी ताकत झोंकने के बाद यहाँ कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, वो थर्ड नंबर पे जा रहे हैं। मांझी जी हैं, जब प्रशांत किशोर के कैंडिडेट मैदान में हैं और रोशन मांझी जी हैं, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, हम लोग जो है आराम से जीतेंगे राजद जी। हाँ, रोशन मांझी जो है यहाँ पर कोई उनको जो है दिक्कत नहीं है, हमारी सीट निकल रही है, कोई काम नहीं किया है पिछले 9 साल में, ठीक है, जो हमारे बोले विकास की गंगा बहा, कोई विकास, आप शिक्षा क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप मामला देख लीजिए, कोई काम हुआ है? जो पुल बना वो भी गिर रहा है, तो ये सारा क्षेत्र की जनता जान रही है, ये तो सिर्फ जो है बरगला के जनता को किसी तरह से ये वोट ले लेते हैं, पर कोई काम हम नहीं किया है क्षेत्र में। प्रशांत किशोर तो है मैदान में, प्रशांत किशोर नहीं, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं बात तो देखिए, बात सुनी जाएगी, पढ़े लिखे की बात, बात करते हैं प्रशांत किशोर, एक सेकंड देखिए, पढ़े लिखे की बात करते हैं, करते सब कुछ हैं, मगर ऑन द ग्राउंड जो जमीनी हकीकत आप देखिएगा, तो उनके जो कैंडिडेट हैं अभी अभी आप जान रहे होंगे, चेहरा देख करके वोट दीजिए जी, याद कीजिए, शिक्षा प्लान रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ शराबबंदी जो है उसको खोलेंगे। हाँ देखिए, ये सब बोलने की बात है, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो सिर्फ जो है मार्केटिंग के मामले में। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने अभी कहा कि प्रशांत किशोर ने पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया, अब बताइए कि यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं जिनके आगे लगा गया है डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, क्या ये MBBS हैं? क्या इन्होंने PhD किया है? यही मतलब, इसका मतलब यही ना कि प्रशांत किशोर को अगर बागडोर हाथ में दे दिया जाए तो MBBS करने की कोई आवश्यकता नहीं है, PhD करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना PhD और बिना MBBS के डॉक्टर की उपाधि दे दी जाएगी। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने दिया है, आप ही कह रहे हैं ना पढ़े लिखे लोगों को दिया। अगर सरकार में आ जाएंगे तो PhD और MBBS करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी की बहू को लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए, जीतन राम मांझी जब यहाँ थे 9 सालों से वो लगातार विधायक रहे, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, इमामगंज।